हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 25x34 के प्लान के बारे में। किस तरीके से आप डिजाइनिंग कर सकते हो। इधर आप देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका 3D बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ये आपका एक नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है। यहाँ से आपकी एंट्री है, मेन गेट है। 6 फीट वाइड यहाँ पे फ्रंट छोड़ा गया है। यहाँ से स्टेयर के लिए प्रोविजन दिया गया है और यहाँ से मेन एंट्री है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यह आपकी मेन एंट्री है जो 4 फीट 9 इंच की एंट्री है। यहाँ पे एक बेडरूम दिया गया है जिसका मेन एंट्री यहाँ पे और यहाँ पे बाहर की तरफ एक विंडो लगाई गई है और एक ड्राइंग रूम यहाँ पे बनाया गया है गेस्ट के लिए। अगर आप यहाँ पे गेस्ट के लिए लेके आना चाहते हो तो बाहर के बाहर ही आप गेस्ट को बिठा सकते हैं। और यहीं से एक अंदर की तरफ भी गेट लगाया गया है जो 10 फीट बाई 10 फीट का आपका ड्राइंग रूम है, 8 फीट बाई 10 फीट का आपका बेडरूम है। कॉमन वॉशरूम यहाँ पे गिवन है जो आपका 6 फीट 7 इंच बाय 5 फीट के अराउंड है। और एक मास्टर बेडरूम यहाँ पे बनाया गया है 10 फीट बाय 10 फीट का। और किचन हमने यहाँ पे बनाई है ताकि सामने का यहाँ पे दिखता रहे। एक विंडो यहाँ पे लगाई है और यहाँ पे आप इसके लिए वेंट छोड़ सकते हो। एक रियर यार्ड हमने छोड़ा है 5 फीट 9 इंच बाई 6 फीट 9 इंच का। क्लियर? तो मास्टर बेडरूम के लिए भी वेंट का काम यहीं से हो जाएगा। आप एक विंडो यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर हम ऊपर की बात करें तो एज इट इज पोर्शन हमने ऊपर क्रिएट किया है। तो यहाँ से आप टेरिस पे एंटर करते हो, वही वाइड पैसेज है। मास्टर बेडरूम यहाँ पे बेडरूम, इसको आप एज ए गेस्ट रूम यूज कर सकते हो, कॉमन टॉयलेट बाथरूम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टैटर लगाए गए हैं जो ओपन एरिया है ऊपर का, डिजाइनिंग की गई है। और किचन यहाँ पे अगेन बनाई गई है और इस तरीके से आप यहाँ पे 3D का और फ्रंट एलिवेशन इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और प्लीज अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।